हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डार्क हॉरर मून नाइट में। दोस्तों, आज की यह कहानी आप मेरे दोस्त केपी चौधरी की आवाज़ में सुनेंगे। आशा करती हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है यूपी के रहने वाले गोपाल जी ने। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 3-4 साल पहले घटी थी। दरअसल उन दिनों सर्दियों का टाइम था और मैंने अपने खेतों में सरसों बो रखी थी और इसलिए मुझे अपने खेतों में पानी देना था। मेरे खेतों में रात के समय पानी आता था और मैं रोजाना अपने खेतों में पानी देने के लिए रात में खेतों पर पहुंच जाता। लेकिन इस रात मेरे साथ कुछ अलग होने वाला था। दरअसल हमारे खेतों में लगभग पानी लग चुका था। अब बस हमारे खेतों से हटकर एक और खेत था, उसमें पानी देना बाकी रह गया था। इसलिए मैं हर रोज की तरह ही इस रात भी उस खेत में पानी देने के लिए चला गया। दरअसल उस खेत में जिस खेत में मुझे आज रात पानी देना था, उसमें एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। मेरे खेत में पानी तो चल ही रहा था और मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि उस दिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से मुझे ठंड थोड़ी कम महसूस हो रही थी। इसलिए मैं उस पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। देर रात तक तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1-2 बजे का टाइम हुआ कि तभी अचानक से मेरे खेत से पानी कटकर पड़ोसी के खेत में जाने लगा और मैं अपना फावड़ा लेकर उस पानी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगा और जैसे तैसे मैंने उस पानी को दूसरे के खेत में जाने से रोक भी लिया। लेकिन जब मैं उस पानी को रोककर वापस से उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे पैर पर एक मिट्टी का पत्थर मारा और उस पत्थर से मुझे काफ़ी जोर की लगी। मैं एकदम से चिल्लाया कि कौन है, कौन इस रात में मेरे साथ मजाक कर रहा है। मेरा ऐसा कहना ही था कि फिर अचानक से मेरी गर्दन पर एक और ढीम आकर लगा और उसके बाद ये मानो कि कई सारे लोग चारों तरफ से मेरे ऊपर मिट्टी के ढीम बरसाए ही जा रहे थे। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिट्टी के ढीम मेरे ऊपर आ कहाँ से रही है। लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से एकदम बाहर की ओर भागा कि अचानक से मेरे शरीर पर मिट्टी के ढीम पड़ना बिल्कुल बंद हो गए। उसके बाद मैं डरते डरते वापस से उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर लगभग 2-4 मिनट बैठा रहा तो अचानक से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो इस पीपल के पेड़ के ऊपर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। वो पीपल का पेड़ अपने आप ही जोर जोर से हिले जा रहा था। उस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इन पीपल के पेड़ की डालियों पर बैठकर कोई जोर जोर से इन्हें हिला रहा है। लेकिन मुझे पीपल के पेड़ पर कोई भी बैठा हुआ नज़र ही नहीं आ रहा था। दरअसल गांव में ऐसी भूत प्रेतों की घटनाओं का होना एक सामान्य सी बात है,
जो कि कभी ना कभी कोई ना कोई महसूस करता ही रहता है। मैं ये सब देखकर तुरंत समझ गया था कि शायद इस पीपल के पेड़ पर कोई बुरी आत्मा है जो मुझे यहाँ से भगाना चाहती है, लेकिन क्योंकि मेरे खेत में पानी चल रहा था इसलिए मैं अपने खेत को छोड़कर अपने घर वापस भी नहीं जा सकता था। वो रात तो जैसे तैसे डरते डरते मैंने उसी खेत में गुजार दी, लेकिन अब भी उस खेत में पानी पूरी तरह से नहीं भरा था। अगले दिन भी उस खेत में पानी आना बाकी था और वो पानी रात के समय ही आने वाला था, इसलिए मैं अपने घर में इसी बात को सोच रहा था कि कहीं वो भूत या फिर वो बुरी आत्माएं जिन्होंने मुझे पिछली रात तो छोड़ दिया है अब की बार मुझे मार ना डालें। इसलिए मैंने डरते डरते ये सभी बातें अपने छोटे भाई को बताई। मेरे छोटे भाई ने भी मेरे साथ चलने की हामी भरी और फिर अगली रात मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों ही उस खेत पर पानी देने के लिए चले गए, लेकिन मेरा छोटा भाई खाने के लिए उस रात अपने साथ कुछ चिकन के पीस ले आया। और जब मैं अपने खेत में पानी देने के लिए चला गया तो मेरा छोटा भाई उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन चिकन के पीसों को खाने लगा और खाते खाते वो एकदम से वहीं बेहोश हो गया था। और जब मैं वहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि उसके नाक से खून बहे जा रहे थे और मेरा छोटा भाई बिल्कुल बेहोश पड़ा था। और जब मैंने अपने छोटे भाई को उठाया तो उसकी हालत उस समय पर काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी और मैं अपने छोटे भाई को उठाकर सीधा अपने गांव की तरफ चल दिया, लेकिन मुझे पीछे से पेड़ के ऊपर से आवाज़ें आने लगीं। और जब मैंने पीपल के पेड़ की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि उस पेड़ के ऊपर एक लम्बा चौड़ा आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है और वो आदमी लगातार अपनी लाल लाल आँखों से मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था। मैं अपने भाई को लेकर वहाँ से काफ़ी तेज भागा और जैसे ही मैं अपने घर आया मैंने ये सभी बातें अपने घर वालों को बताई और उसी समय मेरे घर वाले मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर गांव के ही एक ओझा के पास गए और उस ओझा ने हमें बताया कि दरअसल हमारे उस खेत में उस पीपल के पेड़ के ऊपर काफ़ी सालों से एक कसाई ने बास कर रखा है और वो कसाई ही मेरे भाई को वहीं मार देना चाहता था, लेकिन ये तो हमारे ऊपर हमारे देवी देवताओं की कृपा थी जिसकी वजह से मैं अपने छोटे भाई को वहाँ से सही सलामत ले आया। और इस घटना के बाद हमने अगले ही दिन उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया और उसके बाद हमने हमारे खेत में एक हवन पूजा करवाई और उसके बाद हमें आज उस खेत में कोई भी समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी गोपाल जी की कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, पर पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर देना। दोस्तों आज की दूसरी कहानी मेरे साथ शेयर की है राजस्थान के रहने वाले भोला कुम्हार जी ने। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों मेरा नाम भोला है और ये घटना मेरे साथ आज से लगभग
12-13 साल पहले घटित हुई थी। उस समय मैं 8-9 साल का एक छोटा बच्चा हुआ करता था और आज भी जब मैं उस बात को सोचता हूँ तो मुझे डर से ज़्यादा उस बात पर हंसी आती है। तो दोस्तों, दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन मेरे पिताजी खेत में पानी देने के लिए गए हुए थे और उस रात हमने खाने में खीर पूड़ी बनाई थी, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी शाम को जल्दी ही खेत में पानी देने के लिए चले गए तो उन्हें खेत में भी भूख लग रही थी और मेरी माँ ने कहा कि खीर पूड़ी को ले जाकर अपने पिताजी को दे देना और उसके बाद ये टिफिन लेकर वापस घर लौट आना। दरअसल उस समय रात के लगभग 8-9 बजे का टाइम हो चुका था और मैं खाने से भरा टिफिन लेकर अपने पिताजी को देने के लिए खेत की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जब मैं रास्ते में पहुंचा तो मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उस पीपल के पेड़ के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। और क्योंकि मैं छोटा बच्चा ही था और गांव में अक्सर भूत प्रेतों की बातें होती ही रहती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई भूत तो बैठा हुआ नहीं है। इसलिए मैं डरकर अपने खीर और पूरी से भरे हुए उस टिफिन को वहीं छोड़ आया और चिल्लाते हुए कहता आया कि भूत जी, मुझे मत पकड़ो और इस खाने को आप खा लो। और ये कहते कहते मैं अपने गांव की तरफ भागा और जब मैं भागते हुए अपने गांव में पहुंचा तो गांव में 3-4 लोग आग जलाकर वहीं बैठे हुए थे। क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो वो 3-4 लोग आग सेक रहे थे और उनमें से एक बूढ़े आदमी ने मुझे वहीं पर रोका और पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उसे बताया कि मुझे रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक भूत नजर आया है और मैं अपना खाने से भरा टिफिन छोड़कर वहां से भाग आया हूँ। पहले तो वो बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर हंसा और फिर उसने अपने साथ बैठे हुए मेरी ही उम्र से थोड़े से बड़े एक लड़के को मेरे साथ वापस भेजा और उसने कहा कि कोई भूत नहीं है, तुम अपना खाना ले जाकर अपने पिताजी को दे देना। और इसके बाद मैं और मेरे साथ का वो लड़का, हम दोनों ही वापस से हमारे खेत की ओर चल दिए और उसके बाद मुझे मेरा टिफिन रखा हुआ नजर आया। मैंने झट से उस टिफिन को उठाया और मैंने उस लड़के से कहा कि वो देखो, उस पीपल के पेड़ के ऊपर अभी भी वो भूत बैठा हुआ है। जब हम उस पेड़ के पास पहुँचे तो उस लड़के ने देखकर बताया कि ये तो कोई सफ़ेद पॉलीथिन है जो कि आंधी के चलते इस पीपल के पेड़ से आकर अटक गई होगी और तुम इसे देखकर डर करके वापस गांव की ओर भाग गए। और जब मुझे पता चला कि मैं एक पॉलीथिन को देखकर भूत समझते हुए वापस भाग गया था तो इस बात पर मैं और मेरे साथ चल रहा वो लड़का, हम दोनों ही काफ़ी जोर से हंसे और हंसते हंसते अपने पिताजी के पास अपने खेत की ओर जाने लगे। लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ घटना हुई उसे सोचकर तो आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं खाना लेकर
अपने पिताजी के पास काफी टाइम तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि पानी बाद में दे लेंगे, पहले घर जाकर खाना खायाता हूँ और उसके बाद मेरे पिताजी फावड़े को अपने कंधे पर रखकर गांव की तरफ खाना खाने के लिए आने लगे। लेकिन जब उन्होंने दूर से हमें देखा तो मेरे पिताजी भी मेरी तरह ही बिल्कुल डरपोक निकले और वो भी हम दोनों को भूत जानकर वापस से डरते हुए अपने खेत की तरफ जोर से भागने लगे। लेकिन जब हमने अपने पिताजी को दूर से भागते हुए देखा तो हम दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमें लगा था कि शायद कोई बुरी आत्मा है जो कि हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। आपको बता दूं कि उस समय सर्दियों का टाइम था और सर्दियों के टाइम में गांव में रात के समय काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है और उस कोहरे की धुंध के कारण ही हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर हमारे पिताजी को हम भूत दिखाई दे रहे थे और इधर से हमें हमारे पिताजी एक भागते हुए भूत दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम दोनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा डर गए और हमने हमारे गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन गांव की तरफ भागते भागते रास्ते में हमें एक आक का पेड़ दिखाई दिया। दरअसल आक का पेड़ रात के समय में किसी इंसान की तरह खड़ा हुआ नजर आता है, तो हम दोनों ने सोचा कि वो भूत अब हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, इसलिए मैं और मेरे साथ चल रहा वो दूसरा लड़का हम दोनों ही डर के मारे एक सरसों के खेत में जाकर छिप गए। और मज़ेदार बात तो ये थी कि उस सरसों के खेत में भी पानी लगा हुआ था, यानी वो खेत उस समय पर पानी से भरा हुआ था। लेकिन हम दोनों को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उस भूत से अपनी जान बचाने के चक्कर में हम दोनों ही उस पानी से भरे हुए खेत के अंदर इतनी सर्दी में भी चुपचाप लेट गए और हम दोनों ही उस आदमी की तरफ देखते रहे जो कि वास्तव में एक आक का पेड़ था, जो कि हमें उस कोहरे की वजह से एक आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन हम दोनों का डर इतना ज़्यादा था कि हम पूरी रात उसी पानी के अंदर छिपकर पड़े रहे और उधर मेरे पिताजी भी हमारे खेत में जाकर भूखे प्यासे चुपचाप बैठ गए थे और पूरी रात हमारे उसी पानी में पड़े रहने के बाद जब दिन के लगभग 5:45 का टाइम हुआ और थोड़ा सा उजाला होने लगा तो पीछे से मेरे पिताजी ने सोचा कि चलो अब दिन निकल आया है और अब मैं अपने घर जाता हूँ। लेकिन अब भी हम दोनों डर के मारे उसी पानी के अंदर पड़े हुए थे, हमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन अब भी वो आग का पेड़ हमें कोई भूत पिशाच या फिर कोई खड़ा हुआ इंसान ही नज़र आ रहा था। और इसके बाद जब मेरे पिताजी हमारे खेत की तरफ से हमारे गांव की ओर आ रहे थे तो धीरे धीरे आते हुए उनके कदमों की आवाज़ें हमें साफ सुनाई दे रही थीं। हम दोनों ने सोचा कि शायद अब पीछे से भी कोई भूत हमें मारने के लिए आ रहा है और इसलिए जब मेरे पिताजी हमारे बिल्कुल पास आ पहुँचे तो उनकी कदमों की आवाज़ को सुनकर हम दोनों ही एकदम से पानी से खड़े हुए और इधर उधर भागे। जब मेरे पिताजी ने एकदम से
हमारे खड़े होने की आवाज़ सुनी तो मेरे पिताजी भी पहले ही डरे हुए थे और वो हमें देखकर और ज़्यादा डर गए। और फिर उसके बाद वो भी सरसों के खेत से अपनी जान बचाने के लिए एकदम से जोर से भागने लगे। और अब हम तीनों ही भूत प्रेतों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर खेतों में भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह भागते हुए मेरे पिताजी पर गई तो मैं एकदम से जोर से बोला, अरे पिताजी आप भाग क्यों रहे हो? और जब मेरे पिताजी ने मेरी आवाज़ सुनी तो उनको भी थोड़ी तसल्ली मिली और वो वहीं पर रुक गए। और मेरा जो दूसरा दोस्त था वो भी रुक गया। मेरे पिताजी एकदम से मेरी तरफ आए और उन्होंने हमसे पूछा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर रात को हुई उस घटना के बारे में हमने पिताजी को बताया और हमने पिताजी को ये भी बताया कि रात में कोई भूत अपने कंधे पर फावड़ा लेकर हमारे खेत की तरफ भाग रहा था। तो मेरे पिताजी ने हम दोनों से पूछा कि रात में 8-9 बजे के आसपास क्या तुम दोनों ही हमारे खेत की तरफ आ रहे थे? तो हमने पिताजी की इस बात पर अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और कहा कि हाँ, हम दोनों ही रात को हमारे खेत की तरफ आपको खाना देने के लिए जा रहे थे। तो मेरे पिताजी को माजरा समझ में आ गया कि वो रात में जिसे देखकर डरे थे वो कोई भूत नहीं बल्कि हम दोनों ही थे। और इसके बाद मेरे पिताजी ने वहीं से एक सरसों का पेड़ उखाड़ा और फिर हम दोनों को उससे मारने लगे। लेकिन उसके बाद हम दोनों ने कहा कि चलो पिताजी, हमने ये मान लिया कि जो हमने आगे फावड़ा लेकर भागते हुए भूत को देखा था वो तो आप थे, लेकिन जब हम गांव की तरफ वापस भाग रहे थे तब भी हमने एक भूत को रास्ते में खड़े हुए देखा था और उसके डर से ही हम दोनों इस खेत के अंदर छिपे हुए थे। जब मेरे पिताजी हम दोनों को हमारे गांव के उस रास्ते पर थोड़ा आगे लेकर गए तो हम दोनों ने फिर से उसी खड़े हुए आदमी को देखा और हमने झट से अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, वो देखो, वो भूत अब भी वहीं पर खड़ा हुआ है और वो पूरी रात से इधर उधर भी नहीं हिला है। लगता है पूरी रात वो हम दोनों को ही देख रहा था और अब शायद वो हम तीनों को मार डालेगा। इसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और हम दोनों को उस पेड़ के पास ले गए। और जब हमने उस पेड़ को देखा तो हमें पता चला कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक आक का पेड़ है। और ये देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। मेरे पिताजी ने हम दोनों को वहीं पर काफ़ी जोर से पीटा और जब हम घर आए तो ये बात मेरे पिताजी ने सभी घर वालों को बताई कि किस तरह से इन दोनों ने पूरी रात मुझे डरा कर रखा और खुद दोनों भी पानी के अंदर पड़े रहे थे। हम दोनों ही इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि हम बिना किसी भूत के होते ही काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात का तो पता चल गया कि मेरे पिताजी भी बिल्कुल बहादुर नहीं हैं, वो भी हमें देखकर डर चुके थे। तो दोस्तों, ये थी भोला जी की कहानी। और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लगा बल्कि हंसी आती है। और मैं सोच रहा था कि इस कहानी को YouTube पर अपलोड करूं या नहीं, लेकिन जैसे तैसे मैंने इस कहानी को YouTube पर अपलोड कर दिया है।
अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना है तो भाई साहब नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मेरे साथ शेयर की है झारखंड के रहने वाले विशाल जी ने। तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये घटनाएं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सभी मेरे दादाजी के साथ घटी थी। और मेरे दादाजी इन घटनाओं के बारे में अक्सर मुझे सुनाते रहते हैं। मेरे दादाजी के साथ ऐसी बहुत सारी दिल दहला देने वाली और डरावनी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, मेरे दादाजी मेरे गांव से थोड़ी सी ही दूर एक शहर से देर रात को पैदल पैदल अपने गांव की तरफ आ रहे थे कि तभी आते आते उन्होंने ये महसूस किया कि मानो उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। दरअसल उन दिनों मेरे दादाजी को शराब पीने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसलिए गांव की तरफ आते हुए भी उनके हाथ में एक शराब की बोतल थी। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे आखिर कौन चल रहा है, क्योंकि एक शराबी आदमी जब तक उसके हाथ में शराब की बोतल होती है तब तक वो दुनिया की किसी भी चीज़ पर और ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरे दादाजी भी शराब पीते पीते अपने गांव की ओर आ रहे थे। उन्होंने अपने पीछे चल रही उन आवाज़ों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरे दादाजी अपने गांव के थोड़े से और पास पहुँचे तो गांव के पास पहुँचते ही उन्हें रास्ते में एक भैंसा दिखाई दिया और वो काला भैंसा आसपास खड़े हुए पेड़ पौधों को काफ़ी जोर से टक्कर मार मार कर गिराने की कोशिश कर रहा था। मेरे दादाजी उस भैंसे को उस काली रात में वहाँ देखकर ये समझ चुके थे कि कोई भैंसा तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय पर कोई भी गांव वाला अपने भैंस या फिर गाय बैलों को खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे दादाजी को ये तो समझ में आ चुका था कि ये कोई भैंसा नहीं बल्कि कोई ऊपरी हवा है। उस भैंसे को देखते ही मेरे दादाजी के सर से एकदम से शराब का पूरा नशा मानो कहीं गायब हो चुका था और अब उन्हें उस भैंसे को देखकर एक अजीब सी कपकपी हो रही थी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये कोई भैंसा नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है। लेकिन फिर भी मेरे दादाजी डरते डरते उसी रास्ते पर गांव की तरफ आगे बढ़ते रहे और वो गांव की तरफ तेजी से चले आ रहे थे कि तभी वो भैंसा उन्हें फिर से उनके सामने ही उसी तरह से पेड़ों को टक्कर मारते हुए नजर आया। इस बार मेरे दादाजी और भी ज़्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और फिर वो अपनी गर्दन नीचे कर कर भगवान का नाम लेते लेते अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि जो भी उनके पीछे चल रहा था अब उसके साथ साथ वो भैंसा भी जोर जोर से फूंकारते हुए उनके पीछे हो लिया है। मेरे दादाजी ने पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल भी गलती नहीं की, क्योंकि गांव में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे लग जाए तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और इसलिए ही मेरे दादाजी बिल्कुल शांत होकर गांव की तरफ आगे बढ़ते रहे।
मेरे दादाजी डरते डरते अपने गांव के अंदर आ गए और गांव में घुसते ही उन्होंने वहां से एकदम से भागना शुरू कर दिया और फिर वो हमारे घर आ गए। और घर आने के बाद उन्हें लगभग 3-4 दिनों तक काफ़ी तेज बुखार रहा, लेकिन जब इसके बाद मेरे दादाजी ठीक हुए तो उन्होंने इस घटना के बारे में सभी गांव वालों को बताया। और उसके बाद उन्होंने रात के समय उस रास्ते पर आना जाना बिल्कुल से बंद कर दिया। लेकिन मेरे दादाजी के साथ होने वाली ये घटनाएं यहीं पर ख़त्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इसके 1-2 साल के बाद ही मेरे दादाजी एक दिन अपने खेत के अंदर गए हुए थे। दरअसल उन दिनों खेत में काफ़ी ज़्यादा धान पड़ा हुआ था और मेरे दादाजी धान की रखवाली करने के लिए रात में उसी खेत पर रुक गए। लेकिन जब रात के 11-12 बजे का टाइम हुआ तो एकदम से मेरे दादाजी की खाट को किसी ने हवा में ऊपर उठा दिया और जब मेरे दादाजी की डरते हुए एकदम से आंखें खुलीं तो उनको पता चला कि वो खाट से नीचे गिरकर उल्टे जमीन पर पड़े हुए हैं और खाट उनके ऊपर पड़ी हुई है। ये देखकर मेरे दादाजी एकदम से डर गए थे और डरते हुए मेरे दादाजी एकदम से धान के पड़े हुए उस ढेर पर जाकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि धान के ऊपर भी भूत प्रेत और ऐसी काली शक्तियाँ लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरे दादाजी कुछ देर तक तो धान के ऊपर ही बैठे रहे, लेकिन जब उन्होंने रात में उस धान से नीचे उतरने की सोची तो एकदम से फिर से उन्हें वही काला भैंसा दिखाई दिया। और इस बार वो काला भैंसा मेरे दादाजी की धान के चारों तरफ घूमे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो भैंसा अपने बड़े बड़े सींगों से उस धान को इधर उधर फेंक रहा है, लेकिन उसके फेंकने की सिर्फ आवाज़ें ही दादाजी को सुनाई दे रही थीं। लेकिन देखने पर वो धान कहीं से भी बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं था और वो काला भैंसा बार बार उस धान को टक्कर मार रहा था, लेकिन धान था कि जरा सा भी इधर से उधर हिल ही नहीं रहा था। मेरे दादाजी ये समझ चुके थे कि ये काला भैंसा कोई भूत प्रेत तो है और ये धान को मारकर मुझे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं ये सोचकर इस धान के गट्ठर से नीचे उतर जाऊं कि ये काला भैंसा अगर इस धान को गिरा देगा तो मैं इसके अंदर ही दब जाऊंगा। लेकिन मेरे दादाजी सोचने लगे कि अगर मैं इस धान से नीचे उतरा तो उतरते ही ये काला भैंसा मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन जब तक मैं इस धान के ऊपर बैठा हुआ हूँ तब तक तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसी काली शक्तियाँ लाख कोशिशें करने के बाद भी अनाज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। मेरे दादाजी के साथ पूरी रात ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मेरे दादाजी डरते हुए भी उस धान के ढेर पर बैठे रहे और उन्होंने अपनी पूरी रात उसी ढेर पर बैठे बैठे गुजार दी। दोस्तों, इन घटनाओं के बाद मेरे दादाजी के साथ एक और घटना हुई। दरअसल इस बार दोपहर का टाइम था और मेरे दादाजी घोड़े पर बैठकर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। दरअसल दूसरे गांव में उनके किसी दोस्त के यहाँ पर शादी थी और शादी में उन्होंने मेरे दादाजी को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। मेरे दादाजी सुबह
उस शादी में जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी ज़्यादा दोपहर हो गई। तो फिर उन्हें एक सुनसान रास्ता नज़र आया और उस सुनसान रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। मेरे दादाजी ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी देर तक इसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया जाए। और उसके बाद मेरे दादाजी उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बरगद के पेड़ के पीछे से एक काला भैंसा फिर से दिखाई दिया। और इस बार मेरे दादाजी बिल्कुल समझ चुके थे कि यह काला भैंसा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेरे दादाजी फौरन अपने घोड़े के ऊपर बैठे और उन्होंने अपने घोड़े को काफ़ी तेज भगाना शुरू कर दिया कि तभी उन्होंने देखा कि दोपहर के समय में भी वो काला भैंसा उन्हीं के घोड़े के साथ बराबर में भाग रहा था। और भागते भागते वो एकदम से एक इंसान के रूप में बदल गया और फिर वो मेरे दादाजी को नीचे उतरने के लिए कहने लगा। लेकिन मेरे दादाजी नीचे उतरने से बिल्कुल मना कर रहे थे और उन्होंने उस घोड़े को भगाना और भी तेज कर दिया। लेकिन अब भी वो आदमी मेरे दादाजी के साथ बराबर में ही भागे जा रहा था। भाग तो क्या रहा था, वो दरअसल मेरे दादाजी के बगल में ही उड़े जा रहा था और मेरे दादाजी को घूर घूर कर देख रहा था। मेरे दादाजी के साथ लगभग 8-9 मिनट तक भागने के बाद वो आदमी मेरे दादाजी से बोला कि आज तो तुम मुझसे बचकर निकल गए, लेकिन अगली बार जब हम दोनों की मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और इसके बाद वो कहीं अचानक से गायब हो गया। इस घटना के होने के बाद से मेरे दादाजी ने घर से निकलना काफ़ी कम कर दिया था। लेकिन 2-3 साल पहले ही एक दिन मेरे दादाजी तालाब पर यूं ही बैठने के लिए गए थे कि तभी उनके तालाब में पाम फिसलने की वजह से मौत हो गई। मेरे दादाजी को तैरना तो आता था, लेकिन उनकी मौत पानी में डूबकर हुई। इस वजह से गांव वालों को लगा कि शायद वही काला भैंसा मेरे दादाजी को अपने साथ ले गया था। तो दोस्तों, ये थी विशाल जी की कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज की अगली कहानी मेरे साथ शेयर की है राजस्थान झालावाड़ के रहने वाले उदय जी ने। ये अपनी कहानी में बताते हैं कि ये घटना इनके गांव के एक आदमी के साथ आज से काफ़ी सालों पहले घटी थी। तो क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं उदय सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 50-60 साल पहले मेरे गांव के एक बूढ़े आदमी के साथ घटी थी। दरअसल उस बूढ़े आदमी को उसके बेटे ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था और इसके बाद वो आदमी हमारे गांव से काफ़ी दूर जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगा था। एक रात की बात है, उस आदमी ने काफ़ी सारे लोगों को एक टोली में नाचते गाते हुए काफ़ी सारे लोगों को अपनी कुटिया के पास से गुजरते हुए देखा। उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद ये लोग कहीं भजन कीर्तन के लिए किसी यात्रा में जा रहे हैं, इसलिए वो बूढ़ा आदमी भी ये सोचते हुए कि उसके बेटे ने तो उसको घर से बाहर निकाल ही दिया है, तो आखिर अब वो इस कुटिया में पड़ा पड़ा क्या करेगा, क्यों ना इन लोगों के साथ ही भजन कीर्तन में आगे की तरफ जाया जाए, क्या पता कि उसका उद्धार हो जाए। इसलिए वो बूढ़ा आदमी ये सोचते हुए उन लोगों की टोली में
उनके पीछे पीछे हो लिया। काफी दूर चलने के बाद वो लोग एकदम से एक सुनसान सी जगह पर जाकर रुके और फिर उन्होंने सभी को एक लाइन से खड़ा किया। उस लाइन में वो बूढ़ा आदमी भी चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और वो लोग काफी देर तक तो उस जगह पर इसी तरह से खड़े रहे। लेकिन कुछ देर के बाद ही उन सभी ने एकदम से जोर जोर से उछल उछल कर नाचना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद ये इनके किसी और ही तरीके की भक्ति होगी, इसलिए वो बूढ़ा आदमी भी उनके साथ ही उसी तरह से उछल कूद करते हुए नाचने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक आदमी ने उन सभी को हुक्म दिया कि तुम सब अब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाओ, और उसके ऐसा कहते ही वो सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर एकदम से शांत बैठ गए। वो बूढ़ा आदमी भी उनकी बात सुनकर उन सभी लोगों के साथ में बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग अपने हाथों में बाल्टी परात लेते हुए कुछ पेंठे की गांठ लाने लगे और उन्होंने उन पेंठे की मिठाइयों को सभी के सामने रखा, और रखते रखते वो उस बूढ़े आदमी के पास आ पहुँचे। जब उन्होंने उन पेठे की मिठाइयों को उस बूढ़े आदमी के हाथ में दिया तो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने झट से उन पेठे की मिठाइयों को खा लिया। लेकिन इसके बाद फिर से वो लोग एकदम से खड़े हुए और उनके साथ ही मजबूरन उस आदमी को भी खड़ा होना पड़ा। और उसके बाद फिर वो लोग उसी जगह पर कुछ देर तक तो एकदम शांत खड़े रहे, लेकिन उसके बाद फिर से वो लोग काफ़ी ज़ोर से उछल कूद कर नाचने गाने लगे, और फिर वो बूढ़ा आदमी भी उनके साथ इसी तरह से नाच रहा था। और फिर अचानक से किसी ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और फिर से वो बूढ़ा आदमी भी उनके साथ बैठ गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने देखा कि कुछ लोग उन सभी लोगों के सामने एक बड़ी सी पत्तल परोसे जा रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि शायद किसी जगह पर जाने से पहले ये सभी यहाँ बैठकर भोजन करने वाले हैं, और इसलिए ही इन्होंने पहले सभी के हाथों में दो दो पेठे की मिठाइयाँ दी थीं। शायद हो सकता है कि वो किसी देवी देवता का प्रसाद हो और इसके बाद अब ये यहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन करवाने वाले हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एकदम शांत बैठा रहा। उसने अपने बगल वाले एक इंसान से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान था कि कुछ भी बोल ही नहीं रहा था। और इसके बाद जब उस बूढ़े आदमी की निगाहें उन लोगों की तरफ गई जो कि खाना परोस रहे थे, तो उस बूढ़े आदमी ने देखा कि वो लोग बड़े बड़े बकरों के सरों को उन लोगों की थालियों में रखे जा रहे थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि उन बकरों के सरों को पकाया भी नहीं गया था, बल्कि सीधा ही ऐसा लग रहा था कि किसी बकरे को काटा हो और अभी ताज़ा ही इसके सर को इन लोगों की थालियों में रखा जा रहा हो। और डराने वाली बात तो ये थी कि जिन लोगों की थालियों में उन बकरे के सरों को रखा जा रहा था, वो लोग उन कच्चे सरों को ही एकदम से चबा चबा कर खा रहे थे। जब वो लोग उस आदमी के पास पहुँचे और उन्होंने एक बकरे के सर को उस आदमी की थाली में रखा,
तो वो आदमी एकदम से डर गया और उसने कुछ ना बोलते हुए वहीं बैठा रहा। और काफ़ी देर तक वो बूढ़ा आदमी यही सोचता रहा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो कि बकरे के सरों को कच्चा ही चबाए जा रहे हैं। उस आदमी ने अपनी थाली में रखे हुए उस बकरे के सर को बिल्कुल भी नहीं छुआ और वहीं बैठा रहा कि तभी उसने अपने बगल वाले उस आदमी को देखा, तो वो आदमी काफ़ी जोर से उस बकरे के सर को खाए जा रहा था। और जब उसका सर ख़त्म हो गया तो उसने बकरे के सर की उन हड्डियों को फेंका और फिर उसने उस बूढ़े आदमी की थाली में रखे हुए उस बकरे के सर को उठाया और उसको खाने लगा। और खाते खाते वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा था, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि तभी वो आदमी उस बूढ़े आदमी से बोला, देखो बेटा, हम सब जिन हैं और तुम हमारे फेरे में गलत आ गए हो। अगर इन लोगों को पता चला कि एक आदमी हमारी टोली में आ गया है तो ये लोग तुम्हें भी खा जाएंगे, इसलिए तुम डरे बिना यहाँ से आराम से खड़े हो जाओ और हमारी तरफ देखते देखते अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाओ और तब तक पीछे की तरफ मत मुड़ना जब तक कि तुमको हम दिखना बंद ना हो जाएं। और जब तुम यहाँ से भाग जाओ तो उस कुटिया के पास बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि अगले दिन भी हमारी टोली वहीं से गुजरेगी और अगर अगले दिन तुम हमें वहाँ दिखाई दिए तो ये जिन तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी और जगह पर चले जाना। और उस जिन की बात को सुनकर उस बूढ़े आदमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो वहाँ से उसी समय भाग गया। इसके बाद उसने अपनी साथ घटी हुई इस घटना के बारे में सभी गांव वालों को बताया और आज उस जगह पर एक विशाल मंदिर बनवा दिया गया है, जिस जगह पर बैठ कर के उन जिन्होंने भोजन किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको चार कहानियाँ सुनाई हैं और इन कहानियों को आपको सुनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है। अगर आपको एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी एक अगली कहानी में। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो आपके कहानी के साथ ही बन रही हो।